So welcome to NLP World Class Student and the number is day number 21. हम बात कर रहे हैं timeline therapy, जिससे हम अपने past को repair कर सकते हैं और अपने future को empower कर सकते हैं. Absolutely right. हमने कहा था last session में कि हम dots को connect कर सकते हैं पीछे के तरफ, आगे के तरफ नहीं कर सकते. Right. हमें क्या पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन आज कुछ मिरेकल होने वाला है. आज हम कनेक्ट करेंगे डॉट आगे की तरफ. जी हां, आज हम कनेक्ट करेंगे आगे की तरफ, एकदम सीधे आगे कनेक्ट करेंगे और सारे कनेक्शन एकदम क्लियर रहेंगे. आपको पता रहेगा कि आगे क्या होने वाला है, सब कुछ तैयार है आप. आज आप अपने फ्यूचर को एक लेवल में ले जाना चाहते हो, एकदम आराम से बैठ जाओ. जहां पे बैठे हो एकदम आराम से बैठ जाओ, बहुत मजा आने वाला है. अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में कर दो, ठीक है? और अपने मोबाइल को प्लीज इंश्योर करो कोई कॉल ना आए, कुछ नहीं आए. अपने मोबाइल को हाथ में पकड़ के रखना और हेडफोन से, आई होप कि आप अपने हेडफोन से सुन रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और हाँ, पहले तो मैं बोलूंगा कि आप अपने फ्यूचर को कैसे ठीक कर सकते हो. कभी सोचा है आपने, आपके फ्यूचर को आप कैसे ठीक कर सकते हो? चार रिसोर्सेज हैं आपके पास. याद है मैंने चार रिसोर्सेज के बारे में आपसे बात किया था. सबसे पहला रिसोर्स आपका एजुकेशन, आपकी नॉलेज. आपको सब चीजें जानने की जरूरत नहीं है. आप जिस फील्ड में काम करते हो उस फील्ड की नॉलेज आपकी रिसोर्स है अपने फ्यूचर तक जाने का. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एनएलपी में सक्सेस हासिल करना है तो मेरे लिए जो नॉलेज है वो है एनएलपी की नॉलेज. एंड द सेकेंड थिंग इज मतलब सेकेंड रिसोर्स है वो है स्किल. स्किल मतलब प्रैक्टिकल. आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में आप प्रैक्टिकल काम करते हो कि नहीं, प्रैक्टिकली इस चीज को करते हो कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी जो कर रहा हूं, मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, मैं एनएलपी को प्रैक्टिकली आपको सिखा रहा हूं. आप अगर इंजीनियर हो तो आप भी अपने इंजीनियरिंग की नॉलेज को कहीं ना कहीं तो इंप्लीमेंट करते हो, राइट? दैट इज प्रैक्टिकल. कोई गाना सीखता है सारे गामा पा, अब वो बजाता भी है हारमोनियम में, प्रैक्टिकल करता है. तो कोई भी नॉलेज जो हमारे पास है उसकी प्रैक्टिकल आप करते हो, वो भी आपका एक रिसोर्स है. थर्ड रिसोर्स है आपकी कम्युनिकेशन स्किल. आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है. बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अपने ऑफिस में लोगों के साथ कैसे बात करते हो, आप अपने कॉलेज में लोगों अपने 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 अलग दोस्तों के साथ कैसे बात करते हो, ये सारे क्या है, रिसोर्सेस हैं आपकी बिहेवियर, कम्युनिकेशन. और नंबर फोर रिसोर्स है आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच कैसी है, आप किस टाइप के इंसान हो, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ये सारी आपकी पर्सनालिटी है. तो ये सारे आपके रिसोर्स हैं. तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि आप अपने अपने कॉपी में ना उन रिसोर्सेस को लिख लो. अभी 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 इस वीडियो को पॉज करो और अपने कॉपी में लिखो कि क्या रिसोर्सेस आपके अंदर है जो आपको हेल्प करेगा आपके फ्यूचर तक जाने के लिए. क्या क्या रिसोर्सेस हैं? कम्युनिकेशन पे वर्कआउट कर रहे हो आप, या आप चाहते हो अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करना है, राइट? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपका रिसोर्स है, राइट? फिर आपकी पर्सनालिटी को बेटर करनी है, राइट? वो आपकी रिसोर्स है. आपके नॉलेज को बढ़ानी है, वो आपकी रिसोर्स है. विदाउट रिसोर्स आप कुछ नहीं कर सकते. आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपका रिसोर्स है. सो कहीं पे लिख के रखिए कि ये रिसोर्सेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इन रिसोर्सेस को आपको हमेशा वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए आज हम चलेंगे फ्यूचर की सैर करने. फ्यूचर कुछ सोचा है आपने फ्यूचर में करना क्या है? सोचिए ना, क्या पर्पस है आपका,
क्या बनना चाहते हो आप? कुछ तो बनना चाहते हो, राइट? क्या बनना चाहते हो? हमने इसमें भी बात की है, आपकी पर्पस याद है? कैसे पर्पस डिसाइड करोगे? तो दैट मींस अभी आपके पास पर्पस है, आपको पता है लाइफ में आपको क्या करना है। अगर आपको पता नहीं है तो आप बैक में जाके वो वीडियोस को देखिए, आपको आज पता है कि आपको कहाँ जानी है, आपको क्या बनना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अच्छे से कंफर्टेबल जगह में बैठ जाइए और कंफर्टेबली मुझे सुनिए, अपने हेडफोन या आईपॉड से मुझे अच्छे से सुनिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अपनी आंखों को क्लोज कर लें, अच्छे से ब्रीदिंग करें, अच्छे से सांस लेते रहें, कंफर्टेबली सांस लेते रहें। काफी कंफर्टेबल होके सांस लेते रहे, आप अच्छा फील भी कर रहे हो अभी। मेरी आवाज आपके कान में जा रही है एंड यू आर फीलिंग रिलैक्स, एकदम अच्छे से आराम से बैठे रहे। आज हम फ्यूचर की सैर करेंगे। आप की आंखें बंद हैं, आप आराम से बैठे हुए हो और आप अपने फ्यूचर को देख रहे हो। अपने फ्यूचर को देखिए कि आप क्या कर रहे हो। अपने फ्यूचर को आप जीने की कोशिश कीजिए जैसे अभी आप अपने फ्यूचर में हो। आप जो चाहते हो अपने फ्यूचर में, देखिए कि आपको वो सब मिल रहा है। आप एंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ को। आपको जो ड्रीम जॉब चाहिए या ड्रीम काम जो आपको करनी है, आप वो कर रहे हो। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपका सपना पूरा हो रहा है, आप वो कर रहे हो जो आप करना चाहते थे। यू आर डूइंग वॉट यू लव टू डू, आपको बहुत मजा आ रहा है। कुछ ऐसे लकी इंसान होते हैं जो वो कर पाते हैं जो वो चाहते हैं, और आप उनमें से एक हो। आप देखिए सारे लोगों को, वो आपको देख रहे हैं, आपके लिए ताली बजा रहे हैं, वो खुश हैं कि आज आपने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो आप चाहते थे। सुनिए उनको, सुनने की कोशिश कीजिए कि वो क्या बोल रहे हैं आपको। सब लोग काफी खुश हैं, सब लोग काफी खुश हैं। अभी एक आप काम कीजिए, आप अभी फ्यूचर में हो, आप फ्यूचर को एंजॉय कर रहे हो, फ्यूचर को देख रहे हो, फ्यूचर को सुन रहे हो, फ्यूचर को महसूस कर रहे हो। अब आप इमेजिन करो कि आप फ्यूचर में हो और आपकी शरीर से आप खुद निकल के आ रहे हो। इमेजिन करो कि आप अपने शरीर से आप खुद निकल के आ रहे हो और आपका जो वो फ्यूचर है, आप है, वो वहीं पे खड़ा हुआ है और आप अपने शरीर से निकल आए हो। आप अपने शरीर से डिसोसिएट हो चुके हो और अपने आप को देख रहे हो, और आप अभी अपने आप को देख रहे हो कि आप फ्यूचर को एंजॉय कर रहे हो, वही आप देख रहे हो। आप खुद को देख रहे हो एंजॉय करते हुए, आप खुद को देख रहे हो, फ्यूचर को जी रहे हो, आप ये देख रहे हो आप अपने अपने बंद आंखों से। अभी एक आपका शरीर है जो फ्यूचर में है, जो फ्यूचर में है, और एक आप अपने उस शरीर से निकल के बाहर हो जो उस शरीर को देख रहा है। लेकिन आप इतना सक्सेसफुल हुए कैसे? ये जो आप निकल के आए ना शरीर से, आप अभी ये सोच रहे हो अपने शरीर को देखकर कि आप इतने दूर आए कैसे, आप इतने अचीवमेंट को पाए कैसे, आपने ऐसे कौन कौन से डिसीजंस लिए जिन्होंने आपको ये फ्यूचर दिखाया, आपने क्या किया। आप खुद को देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैंने ऐसा क्या किया।
और तभी आपको पता चलता है कि आपने तीन ऐसे डिसीजंस लिए जिन्होंने आपके लाइफ को चेंज कर दिया। आपके वो तीन डिसीजंस जिन्होंने आपके लाइफ को एक 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 अलग ही दर्जे में लेके गया। चलिए देखते हैं आपने वो तीन डिसीजंस क्या लिए। तो सबसे पहले हम तीसरे डिसीजन से देखेंगे कि वो तीसरा डिसीजन आपने क्या लिया था जिसके बाद आपको ये अचीवमेंट मिली। आप थोड़ा सा अभी अपने फ्यूचर में हो, आपका शरीर फ्यूचर में है, लेकिन आप अभी बैक आ रहे हो अपने फ्यूचर से। बैक आओ, आप फ्यूचर से बैक आ रहे हो अपने उस डिसीजन के पास जो आपने लिया था, जो तीसरी डिसीजंस। ऐसा कौन सा डिसीजंस आपने लिया था, सोचिए। ऐसा कौन सा तीसरा डिसीजन आपने लिया था जिसके लिए आज आप इतने सक्सेसफुल हो, सोचिए। वो डिसीजंस क्या थी, वो डिसीजंस क्या थी। वो डिसीजन क्या थी और उस डिसीजन को पूरा करने में, वो डिसीजन को पूरा करने में आपके कौन कौन से रिसोर्सेस ने आपको हेल्प किया, अच्छे से सोचिए। उन डिसीजंस को पूरा करने में आपको कौन कौन से रिसोर्सेस ने हेल्प किया। आपने अपने पर्सनालिटी को बेटर किया कि आप अपने नॉलेज को बेटर किया, या आप अपने कम्युनिकेशन को बेटर किया, या आप अपने स्किल को बेटर किया। ऐसा आपने क्या, कौन से रिसोर्सेस को आपने यूज किया, उसे सोचिए। कौन सा रिसोर्सेस को किया जिसके लिए आप वो तीसरा डिसीजन ले पाए। चलिए आप थोड़ा और बैक आइए। अभी आप उस दूसरे डिसीजन के पास आइए, वो दूसरा डिसीजन जो आपने लिया था जिन्होंने आपको इतना आगे ले गए। अब आप देखिए वो दूसरे डिसीजन आपने क्या लिया था, वो कौन सा दूसरा डिसीजन है जो आपने लिया था। आप अभी पीछे आ रहे हो, आपने फ्यूचर को छोड़ दिया, आपका फ्यूचर अभी भी वहीं पे है, आपकी बॉडी। आपने तीसरा डिसीजन से होते हुए आप अभी दूसरे डिसीजन, अभी आप पीछे आ रहे हो, अभी आप दूसरे डिसीजन में हो। वो दूसरा डिसीजन आपने क्या लिया था और आपको कौन कौन से सब रिसोर्सेस ने आपको हेल्प किया, कौन कौन से रिसोर्सेस ने आपको हेल्प किया। आपने ऐसा क्या किया, कौन से नॉलेज को अप्लाई किया, कौन से नॉलेज को आपने सीखा, आपने कौन से कम्युनिकेशन को अप्लाई किया, आपकी कौन सी पर्सनालिटी ने आपके तीसरे डिसीजन को फुलफिल करने में हेल्प किया। आपको सारी जानकारी मिल रही है, आपको सब कुछ पता चल रहा है। चलिए अब बारी है कि आप और पीछे आओ और अपने प्रेजेंट के नजदीक आओ। अब वो पहला डिसीजन आपने क्या लिया था, अब सोचिए आप। व्हाट वाज दैट फर्स्ट की डिसीजन, कौन सा पहला डिसीजन लिया था और उस डिसीजन को पूरा करने में आपके कौन से सब रिसोर्सेस ने आपको हेल्प किया। ऐसा कौन सा सब रिसोर्स ने आपको हेल्प किया, कौन सा रिसोर्स आपकी नॉलेज, आपकी कम्युनिकेशन, आपका स्किल, आपकी पर्सनालिटी, ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी रिसोर्सेस है जिसने आपकी फर्स्ट डिसीजन को साकार किया। चलिए अभी आपने अपने तीसरे डिसीजन, दूसरे डिसीजन और पहले डिसीजन को आपने पार कर लिया है। एक काम कीजिए, आप फिर से आप थोड़ा फ्यूचर की तरफ जाइए। आपके पहले डिसीजन को पार करते हुए, दूसरे डिसीजन को पार करते हुए, आपके थर्ड डिसीजन को पार करते हुए, अभी आप थर्ड डिसीजन में रुको और फिर से देखो आपने थर्ड डिसीजन में कौन सा सब रिसोर्सेस को यूज किया।
कौन सा रिसोर्स आपको हेल्प किया आपके तीसरे डिसीजन को पूरा करने में, फिर आप बैक में आओ उस दूसरे डिसीजन के पास और देखो कि ऐसा कौन सा रिसोर्स है जिसने आपको हेल्प किया। फिर से देखो वो दूसरा डिसीजन, फिर थोड़ा पीछे के तरफ आओ, प्रेजेंट के तरफ, और प्रेजेंट के तरफ आके देखो कि वो पहला डिसीजन आपने क्या लिया था और उसको लेने में आपके रिसोर्सेस ने आपको कैसे हेल्प किया। अब धीरे धीरे करके आप अपने प्रेजेंट में आओ, जो अभी अपनी आंखें बंद करके अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है उसके सामने खड़े हो जाओ। अभी आप खुद को देख रहे हो जो अभी एनएलपी की प्रैक्टिस कर रहा है, उसके सर में हाथ रखो और उसे बोलो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस ये तीन डिसीजंस को अच्छे से लेना। उसे बताओ ये तीन डिसीजंस क्या क्या हैं। अपने इस प्रेजेंट के इंसान को बताओ वो पहला डिसीजन क्या है, वो दूसरा डिसीजन क्या है, वो तीसरा डिसीजन क्या है, और बताओ कि कौन कौन से सब रिसोर्सेस ने उसे हेल्प किया। चलो अब तुम्हारी जाने की बारी आ रही है फ्यूचर में जहां पे तुम्हारा शरीर है, तो चलो फिर से चलो आप आगे बढ़ते रहो। आपका जो प्रेजेंट का शरीर है वो प्रेजेंट में है जो अभी एनएलपी सुन रहा है, अभी आपकी फ्यूचर की शरीर से जो निकला हुआ शरीर है वो अभी प्रेजेंट से जा रहा है फ्यूचर के शरीर के पास। सबसे पहले वो पहले डिसीजंस को फिर से जीता है, वो पहला डिसीजन और वो सब रिसोर्सेस जिन्होंने जिसको उसने यूज किया था। फिर वो और आगे बढ़ता है, वो उस दूसरे डिसीजन के पास जाता है और वो सब रिसोर्सेस को देखता है कि कौन कौन से सब रिसोर्सेस ने उसे हेल्प किया। फिर वो तीसरे डिसीजन पे आता है, फिर से उस तीसरे डिसीजन को वो जी रहा है और वो ये भी देख रहा है कौन कौन से सब रिसोर्सेस उसे हेल्प कर रहे हैं। जैसे मानो आज आप अपने फ्यूचर को ना सिर्फ जी रहे हो, आप अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हो, अपने फ्यूचर को एक एक डिसीजन को अपने रिसोर्सेस के साथ पूरा करके अपने फ्यूचर तक पहुंच रहे हो। कौन कहता है कि हम अपने फ्यूचर को देख नहीं सकते, जी नहीं सकते, हम जी सकते हैं। अब आप उस तीसरे डिसीजन से निकल के अपने उस फ्यूचर के शरीर के पास जाके बैठो और देखो अपने आप को फिर से कि वो फ्यूचर वाला आपका ही इंसान कितना मजे से है, कितना खुश है, सच में कितना खुश है, उसे हर चीज हासिल हुई है जो वो चाहता था या चाहती थी। अब आपका समय हो गया है, आप उस फ्यूचर के शरीर के अंदर चले जाएं जहां से आप निकले थे, उस फ्यूचर के शरीर से आप एसोसिएट हो जाएं और उस फ्यूचर की शरीर से आप अपने मोबाइल को निकालें और अपने प्रेजेंट को फोन करें। आई होप आप अभी जो एनएलपी सुन रहे हो आपके पास वो फोन है आपका, उसे जस्ट कान में सुनने का एक एक्टिंग जैसा करें ताकि आप उस फ्यूचर को सुन पाए और आपका जो एक और एक प्रतिबिंब है जो फ्यूचर में वो आपको कुछ बोल रहा है फोन पे, उसे अच्छे से सुनिए। वो आपको तीन ऐसे एडवाइस दे रहा है जो आपको हेल्प करेगा आगे जाने में। पहले सुनिए वो पहला एडवाइस क्या दे रहा है, आप ही का फ्यूचर आपको क्या एडवाइस दे रहा है, अच्छे से सुनिए। वो सेकंड एडवाइस क्या दे रहा है,
अच्छे से सुनिए। अब वो थर्ड एडवाइस क्या दे रहा है, अच्छे से सुनिए। अब अपना फोन आप रख दें और आप अभी उठ जाएं अपने फ्यूचर को, आपके फ्यूचर को उठने बोल रहा हूं, आपको नहीं, आप बैठे रहें। आप जो फ्यूचर में हो उस फ्यूचर को उठने बोलिए और उसे बैक आने बोलिए प्रेजेंट के पास। फिर वही तीसरे डिसीजन को क्रॉस करते हुए, सब रिसोर्सेस को महसूस करते हुए, दूसरे डिसीजन को क्रॉस करते हुए, सब रिसोर्सेस को महसूस करते हुए, पहले डिसीजन को क्रॉस करते हुए और अपने सब रिसोर्सेस को महसूस करते हुए आप पहुंच चुके हो अपने प्रेजेंट के पास। अपने प्रेजेंट को देखिए, वो एनएलपी कर रहा है, एनएलपी को जी रहा है। अब आप उसी के शरीर में घुस जाइए, अपने प्रेजेंट के शरीर में घुस जाइए। बहुत अच्छा। अब आपको सब पता है कि आपको क्या करना है, आपका फ्यूचर क्लियर है, आपको सब पता है कि अभी आपको फ्यूचर में क्या करना है, कौन से डिसीजंस लेने हैं और कौन कौन से सब रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज आपको हेल्प करेंगे। सब कुछ क्लियर है। कौन कहता है कि हम फ्यूचर में डॉट नहीं कर सकते? आप अभी फ्यूचर को देखे हो, फ्यूचर के डॉट्स आपके पास क्लियर है। अब आप बस अपने अपने सर को हिला के ये बताएं कि सब कुछ क्लियर है, राइट? अपने सर को हिलाएं अभी आप, और अपने फ्यूचर को एक्सेप्ट करें। और अपने अपने उस भगवान को थैंक यू बोले, जीसस, अल्लाह, जिनको भी आप मानते हो, वाहेगुरु, जिनको भी आप मानते हो, उसे थैंक यू बोले, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा है, वो आपको देख रहा है, वो आपको एनएलपी के जरिए राह दिखा रहा है कि क्या करना है। आपका आगे जाना तय है, आपका सक्सेसफुल होना तय है, आपका खुश होना तय है। अपने ब्रीदिंग पे फोकस करें। आप देखिए, आपकी ब्रीदिंग काफी अच्छी हो गई है। यू आर रियली ब्रीदिंग सो कंफर्टेबली, आप काफी कंफर्टेबली ब्रीद कर रहे हो, वेरी गुड। अब मैं आपको 5 से 1 तक गिनूंगा, आप धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 अपनी आंखें खोल सकते हैं आप। आपने जिया है अपने फ्यूचर को, अपने उन 3 डिसीजंस को जो आपने लिया था, जो आप लेने वाले हो। ऑल द बेस्ट, आप बहुत आगे जाने वाले हो। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे डे नंबर 22 में। थैंक यू वेरी मच।